कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोगों का रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज थोड़ी सी बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर और आपका ट्रांजिशन ऑफ पावर्स के ऊपर कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत से लोगों ने मुझसे बेसिक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि उनको बेसिक्स का पता होता है तो वो ये कहते हैं कि मुझे इंटरमीडिएट से या थोड़ा आगे से शुरू करवाइए, तो मैं वहाँ से शुरू करवाता हूँ। बेसिकली मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन स्टिल मुझे फिर ये वो हुआ जो मैंने सोचा कि ट्रांजिशन ऑफ पावर्स और थोड़ी सी बात कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी करनी चाहिए। तो बेसिकली जैपनीज कैंडलस्टिक्स तो बहुत सारी हैं और ये एक नहीं है, बहुत सारी हैं और डिफरेंट नेम्स के साथ है, और इनका जो इनकी जो इन्वेंशन है सारा कुछ जैपनीज की जापान से हुआ है। जब ये मार्केट के अंदर नहीं है, जब ये फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट्स के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न को इजाद नहीं किया गया था या इसको इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, तो ये जापान के अंदर चावल की जो मार्केट जो होती है राइस मार्केट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसको, उसकी उथल पुथल को देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए। तो फिर ये आइडिया और ज़्यादा मशहूर हुआ और इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि ये मार्केट्स के अंदर जो आपकी फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स इसके अंदर जो है वो रेगुलेशन लेकर आया और आज पूरी दुनिया में ट्रेडर्स जो है वो कैंडलस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं हमारे पास, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमारे जो सिखाए गए हैं। स्टीव नीसन एक बहुत बड़ा नाम है कैंडलस्टिक की दुनिया में और इन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स को मुतारिफ करवाया या इनको एक्सप्लेन किया, लेकिन इतना मैं बताता चलूं कि हर कैंडलस्टिक के जो पैटर्न होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली मिले या हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले। दुनिया में ओपनली जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, वो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो बार बार आपको जो है ज़्यादातर बार बार आपको जो है ना कॉमनली मिलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स पर। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे डोजी, सेकंड नंबर पे पिन बार्स और थर्ड नंबर पे एंगलफिंग बार्स और फोर्थ नंबर पे रेल बार्स। अगर मैं ये कहूँ कि सारे जैपनीज कैंडल स्टिक्स को छोड़ के इन चारों के ऊपर भी अगर आपने कमांड ले ली तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग। सही, इसमें कोई कैद नहीं है। सही, तो इन चारों को अगर आपने समझ लिया तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, कोई मुश्किल ही नहीं है कि आप जोन ट्रेडिंग नहीं कर सको या सिंपलेस्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है डिमन वेलर का वो आप नहीं कर सको, बहुत ही इजीली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सही है। अच्छा, ये कैसे होते हैं इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि हम बात करेंगे ट्रांजिशन ऑफ पावर्स। सही है, बेसिकली ट्रांजिशन ऑफ पावर्स क्या होती है? ट्रांजिशन ऑफ पावर्स से मुराद ये है कि आपके पास, आप जब चार्ट को देखते हो तो आपको, जब आप चार्ट देखते हो तो आप कैंडलस्टिक को देख के या जो कैंडलस्टिक पे जो जो चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक की प्रिंटिंग हो रही है उसको देख के आप ये अंदाज़ा लगाओ कि कौन सी पावर डोमिनेशन में है, कौन सी पावर डोमिनेट कर रही है और कौन सी पावर डोमिनेशन से अब उसका एंड हो गया और कंट्रोल दूसरी पार्टी को या दूसरी साइड पे चला गया। तो इस पावर की डोमिनेशन साइड को देखते हुए फिर इस पावर को इस पावर की जो है वो जो एक कहना चाहिए कि एक एक लेवल आता है इंडिसिजन का, उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट जो पार्टी या नेक्स्ट जो ग्रुप होता है जो जो पावर उसको संभालती है जो कंट्रोल में लेती है मार्केट को, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को या इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांजिशन ऑफ पावर कहते हैं कि एक पावर का दूसरी पावर में चेंज होना। बेसिकली मार्केट के अंदर जब भी पावर चेंज होती है तो वो तीन स्टेप्स में चेंज होती है, तीन बेसिक स्टेप्स होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये बताओ कि कौन सी पार्टी ऑलरेडी कंट्रोल में है मार्केट के अंदर। उसके बाद एक फेज या एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं इंडिसिजन फेज या इंडिसिजन स्टेज। उस स्टेज के ऊपर हम ये बात, ये डिसीजन लेते हैं या हम उसके ऊपर जो है ये कह लो कि हम उसको वेट करते हैं कि कब उसका
मार्केट जो है ब्रेक लोअर ब्रेक करे या हायर ब्रेक करे, उस फेज को कहा जाता है इंडिसिजन फेज। और जब मार्केट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ पावर्स का स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन ऑफ पावर का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सी पहले से ऑलरेडी कंट्रोल्ड है मार्केट, और उसके बाद इंडिसिजन जब होता है तो उसके बाद मार्केट कौन सी साइड पे कंट्रोल ले जाती है। सही है? अच्छा, अब इसकी जरा मैं ग्राफिकल आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक दिस। सही है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, चार किस्म के मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो आपको ओपनली मिलेंगे। अच्छा, कीप दैट इन माइंड कि सिर्फ ये चार नहीं होती, कैंडलस्टिक बहुत सारी होती है। हम ये चार डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मिलते हुए मिलेंगे, बनते हुए मिलेंगे। सही? तो ये दोजी है, ये वाली ये दोजी आप देख सकते हो बीच में बनी हुई, ये पिन बार है। सही है? ये एंगल्फिंग बार्स है, ये वाली बीच में, और ये रेल रोड्स है। अच्छा, इसके अंदर ट्रांजिशन ऑफ पावर्स हम किस तरह देख सकते हैं? अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये क्वेश्चन अपने आपसे पूछना है कि कौन सी पार्टी जो है वो आपकी कंट्रोल के अंदर है। यहाँ सबसे पहले जो पार्टी या ग्रुप कंट्रोल में है मार्केट में वो है बुल्स का, बुल्स बुल्स बुल्स। उसके बाद क्या हुआ, सडन मार्केट ने एक इनडिसिजन लेवल बनाया, एक ऐसी जगह जहां पे बुल्स की ताकत खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब मार्केट ने इस डोजी का लोअर सेट ब्रेक किया तो मार्केट जो है वो बेरिश हो गई या बेयर्स के हाथ में कंट्रोल आ गई। तो बुल्स 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 इनडिसिजन स्टेज या फेस, उसके बाद बेयर्स बेयर्स बेयर्स, ये ट्रांजिशन ऑफ पावर्स की खूबसूरती है। और इस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरह से ये पिन बार्स का ट्रांजिशन ऑफ पावर्स दिखा रहा है। बुल्स बुल्स ये मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको बुल्स का क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ, इसी का अपोजिट जो होगा वो बेयर्स का क्राइटेरिया होगा। सही? बुल्स बुल्स बुल्स, उसके बाद इनडिसिजन लेवल, उसके बाद मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया तो डिसीजन बन गया, ठीक है, मार्केट ने ट्रेडर्स ने वहाँ पर डिसीजन लिया सेल करने का। और यहाँ पे जब हमारा ट्रिगर हुआ, हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ, तो ये डिसीजन फेज बन गया, और उसके बाद बेयर्स बेयर्स बेयर्स। ठीक? तो ये ट्रांजिशन ऑफ पावर है बुल्स से बेयरिश साइड के ऊपर जाने के लिए। बुलिश से बेयरिश साइड के ऊपर पार्टी जब जा रही है, ग्रुप जब जा रहा है बुल से बेयरिश की तरफ है, तो यह ट्रांजिशन ऑफ पावर कह रहा है कि एक पावर से दूसरी पावर की तरफ ट्रांजिशन हो। अच्छा, जस्ट लाइक दैट एंगल्फिंग बर्ड्स का ट्रांजिशन ऑफ पावर देखो, बुल्स 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 बुल्स, उसके बाद ये बेयरिश एंगल्फिंग, एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर प्रीवियस कैंडल पूरी की पूरी एंगल्फ हो जाती है। सही है? अच्छा, मार्केट ने इसका ब्रेक लोअर ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट डाउन चली गई। सही? तो ये ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है, बुल्स 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 बुल्स, डिसीजन लेवल, डिसीजन फेज, उसके बाद बेयर्स बेयर्स बेयर्स। इसी तरह से रेल लोड, बुल्स 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 बुल्स, उसके बाद ये रेल लोड का पैटर्न बना, उसके बाद बेयर्स बेयर्स बेयर्स, डिसीजन लेवल, उसके बाद ब्रेक लोअर ब्रेक किया, मतलब इसकी लो को तोड़ा और मार्केट डाउन साइड चली। तो ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दी, छोटी सी डिटेल दी ट्रांजिशन ऑफ पावर्स के बारे में। अच्छा, अब इसकी लाइव चले आते हैं, लाइव पे देख लेते हैं लाइव में किस तरह नजर आता है लाइव मार्केट के अंदर। ये जीबीपी यूएसडी की लाइव मार्केट चल रही है। सही है? अच्छा, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी कंसोलिडेशन के अंदर था, लेकिन स्टिल इसके अंदर आपको ट्रांजिशन ऑफ पावर नजर आएगा। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है, अब जैसे कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अंदर जो है वो बेयर्स की ट्रांजिशन ऑफ पावर ज्यादा नजर आएगी बजाय इंस्टेड ऑफ बेरिश के। सही है? ये बात याद रखिए। और बेरिश ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर आपको बेयर्स की ज्यादा ट्रांजिशन ऑफ पावर नजर आएगी, बुलिश की कम होते हुए नजर आएगी। ज्यादातर डोमिनेटिंग साइड जो होगी एक डिफाइंड ट्रेंड के अंदर, वो उसी जगह की, उसी पार्टी की होगी जिस पार्टी का कंट्रोल ओवरऑल है। सही है? तो अभी अगर हम इस पर गौर करें तो हमारी जो अभी ओवरऑल चल रहा है मार्केट जो चल रही है वो अभी बुलिश चल रही है, जैसा कि देखा जाए, जैसा कि यहाँ से हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जीबीपी यूएसडी और सम डेज जीबीपी यूएसडी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर दी, अगर आप गौर करो। सही है? अब क्या हुआ कि मार्केट ने, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गई, अब मार्केट ने क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कि इस एरिया को देखो,
इस एरिया को देखो, बेयर्स 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 पिन वन, देन ट्रांजिशन ऑफ पावर मतलब इंडिसिजन लेवल, इंडिसिजन लेवल ये वाला, देन फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक हायर किया और मार्केट ऊपर चली गई, मतलब बुल्स बुल्स बुल्स, और थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा वो थी, थोड़ा सा अनडिसाइडेड थी, लेकिन स्टिल उसके बाद जो है मार्केट ने बुल्स कैंडल बनाई। तो ये क्या बता रहे हमें कि मार्केट जो है वो ट्रांजिशन ऑफ पावर कर रही है फ्रॉम बेयर्स टू बुल। और यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि अगर ट्रेंड अप है तो ज्यादातर ताकत जो आपको नजर आएगी वो आपको अपसाइड के ऊपर नजर आएगी, सही है। तो ये बात आपको याद रखनी है, छोटी सी मिसाल थी ट्रांजिशन ऑफ पावर के हवाले से, एक छोटी सी लाइफ मिसाल थी। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े से क्लूज आए, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि वी हैव टू कलेक्ट क्लूज। अब GBP USD अगर शॉर्ट टाइम शॉर्ट जरा सा जूम करके अगर आप देखो तो GBP USD ने यहाँ पे क्लू छोड़ा है लोअर लो का, इधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज के साथ। तो अगर आप ये देखो कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रही थी तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिसिजन दोजी बनी, एक मतलब पहले बुल्स 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 बुल्स, उसके बाद ये इंडिसिजन, इंडिसिजन के बाद मार्केट ने लोअर ब्रेक किया, बेयर्स बेयर्स बेयर्स, उसके बाद अनडिसाइडेड अनडिसाइडेड कैंडल, उसके बाद फिर बेयर्स का प्रेशर और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्रेशर, सही है। तो यहाँ पे हमें बेयर्स जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बेयर्स डोमिनेशन होते हुए नजर आ रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे दोबारा से बुल्स बुल्स बुल्स, सही है, बुल्स 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 बुल्स, और अब यहाँ पे इंडिसिजन लेवल बन रहे हैं। हो सकता है कि जब ये क्लोज हो जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, टेक्निकल एनालिसिस फेल हो सकते हैं, लेकिन स्टिल ये आपका ट्रांजिशन ऑफ पावर्स के रूट के अंदर ही। तो ये आपको बताने का मकसद ये आपको मार्केट के अंदर हर जगह नजर आएगा ये। अब ये देखो, अब मार्केट जो थी यहाँ पे थोड़ी सी दोबारा से साइड वे हो गई, सही है। अब इसके अंदर किस तरह का ये हुआ है, ये देखो बुल्स 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 पूरा जा रहा है, उसके बाद ये एंगलफिंग पैटर्न, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस बैक हुआ, लेकिन स्टिल आपका जो ओवरऑल जो आपका मूवमेंट वो है जो अफेक्ट है वो नीचे ही जा रहा है, यानी कि बेयर्स डोमिनेशन कर रही थी, लेकिन फिर सडनली मार्केट के अंदर बेयर्स बुल्स आ गए और बुल्स ने यहाँ से बुल्स 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 दोबारा से एक नई जो है बुल्स ने पावर अपने ऊपर कंट्रोल लिया, उसके बाद मार्केट चलती चली गई और यहाँ पे मार्केट साइड वे हो, सही। तो ये आपको थोड़ा सा अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये बड़े मतलब ये भी बड़ी समझने की चीज़ है, सही। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है वो समझ में आया होगा, छोटा सा ट्यूटोरियल है, समझ में आया होगा कि ट्रांजिशन ऑफ पावर्स किसको बोलते हैं, सही। अब जिस तरह से ये देखो बेयर्स 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 बेयर्स, ये पूरे बेयर्स बेयर्स जा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रेल रोड पैटर्न या एंगलफिंग तो नहीं बनी, लेकिन स्टिल बुल्स जो है वो फिर आ गए मार्केट के अंदर और मार्केट को एक वी पैटर्न जो है यहाँ से लेके इस तरह का वी बन रहा है, बिल्कुल रिवर्स कर दिया मार्केट, सही। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर पहले बेयर्स की पावर थी और फिर एक डिसीजन लेवल बना, उसके बाद मार्केट ने उठा के मार्केट ने ऊपर ही फेंक दिया प्राइस को, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रही है, यहाँ पे एक पावर से दूसरी पावर में मार्केट मुंतकिल हो रही है, सही। इसी तरह से ये देखो इनडिसिजन कैंडल, उसके बाद बुल्स बुल्स बुल्स, उसके बाद पिन बार, इनडिसिजन लेवल, उसके बाद बेयर्स आ गए क्योंकि ब्रेक लोअर हुआ, उसके बाद बेयर्स आ गए, बेयर्स डाउन साइड की तरफ ले गए मार्केट को, सही है। तो इसी तरह से अगर आप ढूंढने लगो तो आपको बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मिलेगी, एवरीवेयर इन द मार्केट आपको ये मिलेगी मिलेगी, हर जगह मिलेगी, बड़े छोटे क्राइटेरिया में, बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे आपको ये जरूर मिलेगा, सही। तो कीप एक्सप्लोरिंग, और अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो यू कैन आस्क मी, बहुत ही सिंपल है ये, अगर कोई बात तब भी नहीं समझ में आ रही तो यू कैन फील फ्री टू आस्क, ओके। तो इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा दोबारा वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।